वेलकम रूटी जी, स्मार्ट इज द फाइनल। यार मैंने अपने पीसी के लिए एक माउस और कीबोर्ड ले लिया है, क्योंकि यार मुझे जो है एडिटिंग समय करते समय यार जो नॉर्मल वाला माउस था यार उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी और कीबोर्ड में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा डायरेक्ट गेमिंग ही ले लेता हूँ ताकि यार बाद में भी ये काम आ जाएगा। तो यार मैंने ये वाला ले लिया है, तो इसी की अनबॉक्सिंग आज की वीडियो में बताऊंगा। और यार मैं समझ सकता हूँ कि इस रेंज में अगर किसी मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में बात की जाए तो यार ये कीबोर्ड बेस्ट कीबोर्ड में से आ सकता है। तो यार अभी जो है इसका रिव्यू देखो, उसके बाद में आपको ही फैसला लेना है और कमेंट करके बताना कि किस तरीके का आपको ये कीबोर्ड लगा। तो यार यहाँ पर अगर इस वीडियो के लाइक एम की बात की जाए तो लाइक एम यहाँ पर रख रहा हूँ मैं 300 लाइक, तो फटाफट से लाइक आपको कर देना चाहिए। उसके बाद में इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, जाकर फटाफट से फॉलो कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा देना। और उसके बाद में नीचे एक ब्लॉगर की यहाँ पर आपको लिंक मिल रही होगी, वहाँ पर जाकर एक बार ज़रूर विजिट करना और मुझे बताना कि किस तरीके का यहाँ पर वो ब्लॉगर दिख रहा है। तो यार यहाँ पर आपको कीबोर्ड का बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर यार सब कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है कि क्या क्या इस कीबोर्ड के अंदर होने वाला है। इसको यार मैं अगर आपको सही से बताऊँ तो यार इस चीज़ को यार बॉक्स की क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यार कंपनी की बात की जाए तो ये वाली कंपनी है और उसका ये मॉडल नंबर है MK1000। ठीक है, तो यार इस वाली कंपनी को यार मुझे लगता है कि बहुत अच्छी यहाँ पर कंपनी है। उसके बाद में यार ये जो है मैकेनिकल कीबोर्ड है, जैसा कि यहाँ पर बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है, एंड गेमिंग कीबोर्ड भी है। तो यार इसी कारण से यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा दिखता है। लाइटिंग RGB लाइट के बारे में भी बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो इसको अपन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यार ओपन करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर दिखता है। तो यार बहुत ही अच्छी यहाँ पर पैकेजिंग मेरे हिसाब से कर रखी है। उसके बाद में यार अंदर अपन को कीबोर्ड के अलावा यहाँ पर मिलता है यहाँ पर यूज़र मैनुअल, तो उसके अंदर यार बहुत सारी की के बारे में बता रखे कि किस वजह से आवाज़ आएगी, किस तरीके से कम पड़ेगी, और यहाँ पर वारंटी कार्ड भी यही कागज़ है। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो यार ये कौन सा कार्ड है, तो यार आप इसको भी बाद में आप जब लो अब देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से लाइटिंग के अंदर। केबल की बात की जाए तो USB केबल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसके अंदर अगर वायर की बात की जाए तो वायर एक मतलब यार कपड़े टाइप का जो मटेरियल होता है ना, उस प्रकार का एक मटेरियल है। अब यहाँ पर बात की जाए इसकी आवाज़ की, तो यार बहुत ही ज़्यादा क्लिकेबल यहाँ पर आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ भी मैं आपको सुना देता हूँ। यार अब बात कर लेते हैं माउस की, तो यार माउस यहाँ पर कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग में मिल जाता है। ठीक है, फोक्सिन कंपनी का यहाँ पर माउस है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यार यहाँ पर पैकेजिंग यार सीधी सी बात है अपन ऑफलाइन मार्केट से अगर लेंगे तो यार ऐसा ही पैकेजिंग मिलेगा, डैमेज हो ही जाता है। तो इस प्रकार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं अपन को। तो प्रोडक्ट की बात है तो प्रोडक्ट मैंने यार इसको यूज़ किया तो यार मुझे तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यार अब जो है मैं आपको निकाल के बताता हूँ, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलता है, गेमिंग लुक अगर आपको चाहिए तो यार अच्छी खासी दे देगा और RGB लाइट के साथ में। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो आप साइड में भी दो बटन है, ऊपर की तरफ भी दो बटन, और ये जो यहाँ पर मेन जो दो बटन होते हैं राइट क्लिक और से जो है यहाँ पर लेफ्ट क्लिक वाले बटन, इन ये क्लिक वाले भी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इसका रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जैसे ही अपन इस पर कुछ भी काम करते हैं वैसे यार कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर आपको दिख जाता है। तो इस हिसाब से यार पहले वाला जो है मेरा माउस वो नहीं कर पाता था, इसीलिए मैंने इसको भी लिया। ये वाला जो आप व्हील देख रहे हो ये भी एल्यूमिनियम का है, तो यार यहाँ पर मुझे तो इसका लुक ठीक ठाक ही लगा है। अब यार अपन इसकी वायर की बात कर लेते हैं, यार वायर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो वायर यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यार जो पहले वाला कीबोर्ड की जो है वायर थी सेम टू सेम यार वैसी ही वायर है। और उसके बाद में यहाँ पर कीबोर्ड के आप लुक भी दे सकते हो, वायर जो है यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है लाइक यार कोई कपड़ा टाइप जो होता है ना उस प्रकार की यहाँ पर वायर है, रस्सी समझ सकते हो। पीछे भी यहाँ पर फोक्सिन कंपनी के यहाँ पर ब्रांडिंग दे रखी है। अब बात की जाए किस सर्विस पर चलता है, तो यार उन्होंने यार गारंटी ली है कि हर किसी सर्विस पर यह चल जाएगा। लाइक आप मेरे टेबल पर चलते हुए देख रहे होगे और बहुत ही आसानी से मैं इस पर काम भी कर पा रहा हूँ। अब इसकी एक बात मैं बता दूं कि यार ये जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस देता है, मतलब कि यार इसको ज़्यादा मुझे यहाँ से उठा उठा कर इधर उधर नहीं रखना पड़ता, ये डायरेक्ट से यार थोड़ा सा हिलाने पर ही यहाँ पर काम करना लग जाता है। और यहाँ पर माउस पैड के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यार ऑफलाइन, मतलब जो है लाइट अगर बंद कर दी जाए तो कैसा आपको दिखेगा, तो इस प्रकार का आपको दिखेगा यहाँ पर दोनों चीज़ें। तो माउस आपको इस प्रकार का दिखेगा, आप देख सकते हो यार RGB लाइट के साथ में आता है। ठीक है, RGB नहीं, यहाँ पर एक पीली लाइट भी है, तो यार उस हिसाब से यार RGB नाम इसका रखना सही नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पर रेड ब्लू और यहाँ पर बहुत सारी जो भी होती है वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, दूसरे दूसरे कलर्स है इसमें। तो यार आप देख सकते हो यार
अब उसके बाद में आप जो है कीबोर्ड के ऊपर बात करते हैं, तो कीबोर्ड के ऊपर आपको RGB लाइट देखने को मिल जाती है। तो यार यहाँ पर आपको भी यार बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो उसको यार आपको अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो है कि आप अभी देख सकते हो। तो वो सब आपको कैसे चेंज करने हैं वो इस बॉक्स के ऊपर मेंशन है। तो यार आप आसानी से यहाँ पर पढ़ कर भी कर सकते हो, या फिर यूज़र मैनुअल भी आपके बहुत काम किए, चाहे भले वो छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा काम किए। यार अब जो है इसकी बात कर लेंगे कि अपन किस तरीके की क्वालिटी है, और उसके बाद में अपन ये भी बात करेंगे कि यार किस रेंज में मुझे पड़ा है। तो यार फटाफट से यार अपन चलते हैं अपने यहाँ पर कैमरा की तरफ, और यार मैं आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ। अगर इन दोनों चीज़ों की प्राइस की बात की जाए तो दोनों चीज़ों को मिलाकर मुझे यहाँ पर मिला है 3100 रुपये में। उसके बाद में अगर कीबोर्ड अगर बात की जाए, क्योंकि अलग अलग कंपनी के, कोई एक ही कंपनी के नहीं है, मैंने सोचा था कि एक ही कंपनी के अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था यार। मुझे जो है अलग अलग चीज़ में यार जो है उसी प्राइस रेंज में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी दोनों, तो यार मैंने इसे लिया। तो इसी प्रकार से मुझे जो 2100 रुपये पड़े हैं वो पड़े हैं कीबोर्ड के, मैकेनिकल कीबोर्ड है। और मैं अगर बात करूँ तो यार 5 साल तक यार उसने बोला है कि 5 साल तक इसमें कुछ भी नहीं होगा, और वारंटी इसमें जो है 1 ईयर की मुझे उसने दी है। तो यार इसीलिए यार ये जो 2100 रुपये मुझे इसके हिसाब से बर्थ लगे। और उसके बाद में अगर बात की जाए कि यार माउस की, तो माउस भी मुझे 900 रुपये में मिला है, और उसकी भी 1 साल की वारंटी, और उसके बाद में इसका भी 5 साल तक यार इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। और क्वालिटी देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि यार यहां तक ये जो है पहुंच जाएंगे 5 साल तक। तो यार यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज में लाता रहूंगा। तो यार बाय।